नमस्कार, असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रवक्ता, वो चाहे यूपी पीजीटी की हो, यूपी पीएससी जीआईसी प्रवक्ता, या केंद्रीय विद्यालय की या नवोदय विद्यालय की। अर्थशास्त्र में ये देखा गया है कि विगत कई वर्षों से मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन हम लोगों के सामने है जिसमें दिया है किसी वस्तु का मांग फलन क्यू इज इक्वल टू 15 माइनस 3 पी प्लस 0.2 y, जहां पे क्यू मांग मात्रा है, पी कीमत है, वाई उपभोक्ता की आय है, तथा यदि कीमत 2 रुपए हो तथा जो वस्तु है जिसका ये मांग फलन दिया गया है उसकी कीमत 2 रुपए है तथा आय जो उपभोक्ता की इनकम है वो 150 रुपए है, तो क्या ज्ञात करना है? मांग की मूल्य लोच को ज्ञात करना है और मांग की आय लोच को ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि किसी वस्तु की मांग पर केवल किसी वस्तु की जो मांग है उस पर केवल कीमत का प्रभाव नहीं होता है, कीमत के प्रभाव के साथ साथ अन्य कई तत्वों का प्रभाव होता है। कीमत है, उपभोक्ता की आय है, वस्तु की प्रकृति है, उपभोक्ता की रुचि है, तो इस प्रकार से कई तत्व उपभोक्ता की जो मांग है उसको प्रभावित करते हैं। यहां पे 2 तत्व हैं, उपभोक्ता जो इस वस्तु का प्रयोग कर रहा है उसकी कीमत और उपभोक्ता की आय। तो इन 2 तत्वों के प्रभाव के आधार पर हम मांग की मूल्य लोच और मांग की आय लोच की गणना करेंगे। इससे यह पता चलेगा कि वस्तु की प्रकृति क्या है। सबसे पहले हम जो वस्तु की कीमत दी गई है पी बराबर 2 रुपए और वस्तु की जो आय है, उपभोक्ता की आय, सॉरी, जो उपभोक्ता की आय है वो 150 रुपए। अब इन 2 तत्वों का मान इस समीकरण में हम रख देंगे, तो समीकरण हमारे पास है क्यू इज इक्वल टू 15 माइनस 3 पी प्लस 0.2 y। अब पी वस्तु की कीमत और y उपभोक्ता की आय, ये 2 वैल्यू जो है इसमें हम पुट करेंगे इसको, तो Q बराबर 15 माइनस 3 पी, 3 और P का मान है 2, प्लस 0.2 y का मान 150। और एक आगे स्टेप इसका 15 3 2 6 प्लस, और ये 150 में 0.2 का जब गुणा करेंगे तो आएगा, और एक अंक के बाद दशमलव 30। क्यू बराबर 15 में 6 गए तो 9 6 और आगे 30 39, तो क्यू बराबर आ गया 2 रुपए में और उपभोक्ता की जो आय है 150 रुपए में, वस्तु की जो खरीदी जाने वाली मात्रा है वो 39 है। अब प्रश्न में 2 चीजें हैं, मूल्य लोच और आय लोच, तो सबसे पहले देखते हैं मांग की मूल्य लोच के लिए। मांग की मूल्य लोच ऋणात्मक होती है। मांग की मूल्य लोच जब हम ज्ञात कर रहे हैं तो यहां पे वास्तव में चूंकि
वस्तु की जो मांग है उस पर कई तत्वों का प्रभाव होता है, किंतु यहां पर अन्य तत्वों को स्थिर मान लेंगे। यहां पर वस्तु की कीमत के प्रभाव की का आकलन मांग के मूल्य लोच पे करेंगे, तो जो वाई है उपभोक्ता की जो आय है उसको हम कांस्टेंट मान लेंगे, स्थिर मान लेंगे। तो इस प्रकार से जो मांग की मूल्य लोच का जो हमारा सूत्र है वो हमें पता है, मांग की मूल्य लोच बराबर इसका मान ऋणात्मक डेल्टा क्यू अपान क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी, ये हमारा सूत्र है। अब इसमें चूंकि हमने वाई को स्थिर मान लिया है, इसका मतलब यह है कि जो मांग की मूल्य लोच है उस पर कीमत का प्रभाव ही प्रमुख है, उसी का हम आकलन करेंगे। तो हमारा जो मांग का जो फलन है इसमें हम y की वैल्यू रखेंगे, तो q बराबर 15 थ्री पी प्लस 0.2i में y बराबर 150 रखने पर, फिर q बराबर 15 माइनस 3p प्लस 0.2 इंटू 150, 15 माइनस 3p प्लस ये आ जाएगा 30 बराबर, तो 30 में ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 45 माइनस 3p, तो q बराबर कितना आ गया 45 माइनस 3p। अब इसमें हमें p की वैल्यू भी पता है और q की वैल्यू भी पता है, दिया है, ज्ञात है। क्या क्या ज्ञात है हमको? E बराबर 2 रुपए और Q बराबर, ये जो ऊपर वस्तु की मात्रा पहले ज्ञात किया था, Q बराबर 39। अब हमें जो ज्ञात नहीं है वो डेल्टा Q और डेल्टा P का मान जो है वो हमें ज्ञात नहीं है। तो डेल्टा P और डेल्टा क्यू डेल्टा पी इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें ये जो हमारा मांग फलन है क्यू बराबर 15 माइनस 3p प्लस 0.02y, इसका हमें ये जो हमने मांग फलन निकाल लिया है क्यू बराबर 45 माइनस 3p, क्यू और पी मांग पर कीमत का सीधा प्रभाव, तो ये क्यू अपान डेल्टा पी, तो इसको ज्ञात करने के लिए जो ये दिया गया है हमारे पास, इसका जो ये मांग फलन है इसका हम अवकलन करेंगे, डिफ्रेंसिएशन करेंगे, तो ये जो वैल्यू होगी ये हमें आ जाए। तो इसमें डिफरेंसिएशन क्यू का जब करेंगे तो पी के सापेक्ष करेंगे, तो इसमें लिख लो क्यू बराबर 45 माइनस 3p का अवकलन करने पर। अब इसका अवकलन कर ले, किसके सापेक्ष करना है? डी क्यू अपॉन डी पी, ये वही डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, 45 ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा माइनस 3। अब हमारे पास सभी वैल्यू है
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी, और तो इस ये वैल्यू और पी बराबर 2 और क्यू बराबर 39 इसमें पुट कर दें इसको, तो इसको देखते हैं इसमें ईपी बराबर माइनस डेल्टा क्यू पान डीपी या डेल्टा क्यू पान डेल्टा पी की वैल्यू -3 और पी का मान 2 और क्यू का मान 39। तो मूल लोच बराबर माइनस माइनस प्लस हो गया ये, तीन दूनी 6 और ये 39। छह में 39 का भाग दे दें तो जो वैल्यू आएगी वो लगभग 0.10 लग जाएगा इसमें, तो 60 हो जाएगा, एक बार जाएगा और 39 से 21 जीरो हो जाएगा, तो ये लगभग जो है 5 बार जाएगा। तो ये जो वैल्यू आई है मांग की, जो मूल लोच ये आई है 0.15, अर्थात इसका मान जो है 1 से कम है। less than 1 और ये कहलाती है मांग की बेलोचता। तो ये वस्तु जो वस्तु क्रय की जा रही है जिसकी 39 जिसकी 39 आइटम जिसके खरीदे जा रहे हैं किस कीमत पर, पी 2 रुपए वाली कीमत पे, वो वस्तु जो पैसी वस्तु है वो बेलोचदार वस्तु है। तो इस प्रकार से मांग की मूल लोच का आकलन हमने कर लिया। अब बचा मांग की आय लोच। अब मांग की आय लोच के लिए मांग की आय लोच वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर आय के प्रभाव को बताती है। मांग की आय लोच वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर आय के प्रभाव को स्पष्ट करती है। हम जानते हैं कि वस्तु की जो मांग है उस पर कीमत आय अनेक तत्वों का प्रभाव पड़ता है। तो यहां पर जब हम मांग की आय लोच की जब गणना करेंगे तो कीमत को स्थिर मान लेंगे कि वस्तु की कीमत क्या है, स्थिर है, उपभोक्ता की आय में गड़बड़ हो रही है। तो उपभोक्ता की जो आय में परिवर्तन से मांगी जाने वाली जो मात्रा में परिवर्तन होता है उसका अनुपात मांग की आय लोच कहलाती है। वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा पर जो आय का प्रभाव होता है उसका जो अनुपात है वो मांग की आय लोच कहलाती है। इसका ये फार्मूला है। अब इसमें हम वस्तु की जो कीमत है स्थिर,
वस्तु की कीमत को हम स्थिर मान करके मान की आय लोच का आकलन करेंगे। वस्तु की जो कीमत स्थिर है तो वस्तु की जो मांगी जाने वाली मात्रा है उस पर आय का प्रभाव है। अब इसमें हमारे पास ज्ञात है वाई बराबर, अब इसमें सबसे पहले हम ये जो हमारा मांग फलन है क्यू बराबर 150 माइनस 3p प्लस 0.2y। अब इसमें इस मांग फलन में p बराबर 2 रुपए रखेंगे क्योंकि हमने आय को स्थिर मान लिया है। आय का इससे जो वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा है इसके प्रभाव का आकलन करना है तो p बराबर 2 इस समीकरण में हम रखेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी q बराबर 15 माइनस 3 इंटू 2 प्लस 0.2y। इस प्रकार से 15 3 2 6 प्लस 0.2y तो q बराबर आ जाएगा 15 में 6 गए 9 प्लस 0.2y। आय का मांग पर प्रभाव, मांग की आय लोच। अब हमारे पास इसमें जो वैल्यू है तो सबसे पहले क्योंकि वैल्यू भी हमें पता है वाई 150 है ये हम जानते ही हैं। अब इसमें डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई, इसमें डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो इसकी वैल्यू यदि हम इस मांग फलन का वाई के सापेक्ष यदि हम डिफ्रेंसिएशन कर ले अवकलन कर ले तो हमें डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई की वैल्यू पता चल जाएगी। तो सबसे पहले क्या करते हैं इसका अवकलन करते हैं अब जब अवकलन करेंगे तो डेल्टा क्यू वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये 9 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.2। अब ये जो वैल्यू आई है मांग की आय लोच का जो सूत्र है उसमें यदि हम इसको रख दें तो हम मांग की लोच ज्ञात कर लेंगे। हमारा जो सूत्र है मांग की आय लोच का डेल्टा क्यू अपान, अब इसको थोड़ा ये जो वाई है इसको इधर यहां पे लिख लें तो डेल्टा वाई इंटू वाई अपॉन क्यू, क्यू का मान हमारे पास पहले ही सही है 39 और डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा वाई की जो वैल्यू है ये है तो इसको रख दें 0.2 इंटू वाई का मान 150 और Q की वैल्यू 39। इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा अपॉन 39। इस प्रकार से 30/39। अब 10 से एक विभाज ये विभाजित हो जाएगा 3 से, 3 धाम 30, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9 तो 10/13। 10 में 13 का भाग कर दें तो 0.100 हो गया, 13 7 91 9 बचा 90 हो गया और 13 6 78। इस प्रकार से
जो मांग के आय लोच है उसकी वैल्यू आ गई 0.76। अब इसकी जो तुलना करें तो ये जो वैल्यू निकल करके आई है ये इकाई से कम है, इकाई से कम है अर्थात उपभोक्ता की आय में जितने प्रतिशत की वृद्धि होती है मांग में उतने प्रतिशत की वृद्धि नहीं होती है। अर्थात ये जो वस्तु है वो कैसी वस्तु है, वो अनिवार्य प्रकृति की वस्तु है, क्योंकि प्रायः अनिवार्य प्रकृति की वस्तुएं जो होती हैं उस पर एक निर्धारित आय का एक निर्धारित भाग ही व्यय किया जाता है। इस कारण से इस पर वस्तु की कीमत का भी अल्प प्रभाव पड़ता है और उपभोक्ता की आय का भी इस पर कम प्रभाव पड़ता है। वस्तु की जो प्रकृति है वो बेलोचदार है, तो इससे ये पता चलता है कि ये जो वस्तु है वो अनिवार्य प्रकृति की वस्तु है जिस पर आय का और वस्तु की कीमत का कम प्रभाव पड़ता है। तो इस प्रकार से विभिन्न जो परीक्षाएं हैं, नेट के एग्जाम है, गेट में भी इस प्रकार के जो हैं इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मांग का फलन दिया जाएगा, वस्तु की कीमत या उपभोक्ता की जो आय है वो दे दी जाएगी, या जो वस्तु की मात्रा है वो दे दी जाएगी। तो इस प्रकार से मांग की मूल्य लोच और आय लोच का आकलन किया जाता है। थैंक यू।